नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग चिकन को मैं आपका तरीके से स्वागत करता हूँ। मैं तेरे का आपका दोस्त आपका होस्ट फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले संजय परिवार के सिर्फ हूँ। अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर भारत में सारा इंडिया के बराबर टिकट वाली काठी वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं है। ये एकमात्र ऐसी कंपनी जिसमें करोड़ों निवेशकों ने अपने खाते खुलवाए हैं। यदि यह कंपनी पुनः अगर फिर से निवेशकों का समय से पेमेंट कर दे, अगर हम कह रहे हैं इन्वेस्टर्स, अगर वो फिर से प्रॉपर टाइम पे पेमेंट करती रहे, मैच्योरिटी अगर वो टाइम पे करती रहे, तो लोगों का जो भरोसा है इस कंपनी पे फिर से दोबारा बनाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सारा इंडिया परिवार में इन्वेस्टमेंट क्यों किया, क्योंकि हाई रिटर्न के कारण है कि जो अदर कंपनीज जो इतना अच्छा रिटर्न नहीं देती थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस कंपनी पे भरोसा करके बहुत सारे पैसे जो है इन्वेस्टमेंट किए। सारा की बचत योजनाओं से लेकर सेबी में जांच चल रही है। अगर हम बात कर रहे हैं जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी जो है जाँच इस पर चल रही है, जिसमें से कुछ गड़बड़ियाँ भी पाई गई हैं, जिसकी वजह से रियल इस्टेट बॉन्ड योजना को सेबी द्वारा बंद किया जा चुका है। जिसमें बाद सेबी ने रियल इस्टेट बॉन्ड योजना में निवेश किए गए पैसे को सेबी के पास जमा कराने का आदेश भी जारी किया गया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया और सहारा और उनको सेबी सहारा खाते में 24,000 करोड़ रुपये का लगभग इसमें जमा भी करानी पड़ी थी। लेकिन अब तक सेबी ने इस रकम को देश की गरीब व आम निवेशकों को नहीं लौटाया है, जिसकी वजह से आम जनता के बीच सेबी की छवि जो है, लोग चाह रहे हैं कि सेबी जो है वो उनका पैसा जो है रिटर्न करे। मतलब जो सारा इंडिया परिवार ने अगर बात करें तो सेबी को पैसा दिया था, वो तो लोग इन्वेस्टर चाहते हैं कि सेबी उनका पैसा जो है रिटर्न करें। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अगर अभी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चल रहा है और अभी भी उसका फैसला भी नहीं आया है, इसलिए फिलहाल सारा से भी जो केस चल रहा है, संभावना अभी है कि जैसे इसका केस का विचार होगा, यानी कि सुब्रत राय सारा जी जो सारण्य परिवार के मुखिया हैं, जो कोर्ट पहुँचेंगे कुछ डेट पर, और जब इसका फैसला होगा तो इन्वेस्टर्स का उनका पैसा मिल सकता है कोर्ट के आदेश के बाद। तो हम लोग को जो है कोर्ट के आदेश का फैसला करना है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो और हमारे अपडेट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।